मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल में लिखा हुआ देखा है, मैंने लिख रखा है 5 दिन बाद गुरु और बुद्ध की सरकार शुरू होगी। आपने सोचा नहीं होगा क्या होने वाला है। ऐसे वो कौन से महाभाग्यशाली राशि हैं जिनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के गुरुदेव बृहस्पति और बुद्ध आने वाले हैं। यहाँ पर 10 सितंबर 2022 से लगा करके 2 अक्टूबर 2022 तक 5 ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके वो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, जिनके ऊपर इन 5ों ग्रहों की कृपा होने वाली है। सबसे पहली चीज़, गुरु महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ठीक सामने बुध, ये सप्तम का योग बना करके गुरु से ये भी वक्री हो जाएंगे 10 सितंबर को, और 2 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, राहु केतु वक्री अवस्था में ही रहते हैं। 5 ग्रह जब वक्री होंगे तो कुछ ऐसी महाभाग्यशाली राशियां होंगी जिनको अपार सुख समृद्धि मिलने वाली है। तो जो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वह राशि रहेगी वृषभ राशि में बुध महाराज और शनि महाराज का 9 पंचम का योग बना हुआ है। दोनों ही केंद्र स्थान में विराजमान हैं। बुध के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की भी कृपा है, यानी कि सप्तम योग बना करके लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं। तो महाभाग्यशाली राशि रहेगी वृषभ। इनको जो है इस अवधि में विशेष सुख समृद्धि मिलना, भाग्य का साथ मिलना, साथ ही साथ अपार धन आना, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों में ही लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके लिए यह गोचर जो है बहुत अच्छा है। आपके जीवन में ये 5 ग्रह मिलके बड़ा बदलाव करने वाले हैं। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि रहेगी वह राशि रहेगी मिथुन। यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो गुरु महाराज ये बना करके शश नाम का योग वक्री हुए हैं, और बुध जो है भद्र नाम का राजयोग बना करके वक्री हुए हैं। बुध और शनि का 9 पंचम योग बना हुआ है आपके ऊपर, निश्चित ही 7.5 चल रही है। लेकिन शनि चूँकि अपनी ही राशि में है और वक्री में अवस्था में, उतना ज़्यादा ये दुष्प्रभाव आपको नहीं देंगे। राहु केतु लाभ स्थान में वक्री हैं, केतु आपके 5म भाव में वक्री हैं। तो लगभग जो यह समय रहेगा 10 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पीरियड में आपके भी सभी काम बनते चले जाएंगे, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। आप भी महाभाग्यशाली राशियों में से एक हो, आपके ऊपर भी ग्रहों की अपार कृपा होने वाली है। अगली जो महाभाग्यशाली राशि है जिन पर इन 5ों ग्रहों की कृपा होने वाली है, वह महाभाग्यशाली राशि है कन्या। कन्या राशि में एक तरफ भद्र नाम का राजयोग बना करके बुध देव वक्री हुए हैं, और दूसरी चीज हंस नाम का राजयोग बना करके गुरु महाराज सप्तंग योग से वक्री चल रहे हैं। तीसरी चीज, शनि का और बुध का ये 9 पंचम योग बन रहा है। उधर राहु और केतु धन और 8म भाव में वक्री हैं। इसका अर्थ ये रहा कि आपके लिए भी धन आगमन के प्रबल संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। लगभग यह जो 20-22 दिन का समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ आपको देखने को मिलेगा, चाहे करियर हो, नौकरी हो, व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ आमदनी होगी। यात्राओं के लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। अगर नया काम व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस दरमियान आप शुरू करिए, आपको भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगली महाभाग्यशाली राशि है वह राशि रहेगी वृश्चिक। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है
तो आपके लिए भी शानदार समय रहने वाला है। गुरु महाराज और बुद्ध महाराज ये त्रिकोण भाव में सप्तम योग बना करके वक्री हुए हैं। इसके अलावा बुद्ध का शनि का नौ पंचम योग जब चल रहा है, शनि महाराज आपके तृतीय स्थान पे वक्री चल रहे हैं, राहु केतु छठे में और बारहवें भाव में वक्री हैं, तो ऐसे में कोर्ट कचहरी मुकदमे में लाभ होना, शत्रुओं का विध्वंस हो जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो जाना, देश विदेश की यात्राओं से लाभ हो जाना, संतान से संबंधित लाभ होना, शिक्षा में लाभ होना, यानी कि सभी क्षेत्रों में लाभ दिखाई पड़ रहा है। लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। आपके ऊपर भी अपार ग्रहों की कृपा बनी हुई है। अगली जो महाभाग्यशाली राशि है वह राशि रहेगी धनु। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो पांचों ग्रह वक्री हुए हैं अपने अपने स्थान पे। आपके लग्नेश सस नाम का राजयोग बना करके वक्री हैं। बुद्ध महाराज दशम भाव में कार्य क्षेत्र में ये भद्र नाम का राजयोग बना करके वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। इसके अलावा शनि आपके धन भाव पे वक्री हो गए हैं, साथ ही साथ राहु पंचम भाव में वक्री हैं और केतु आपके सोर्स ऑफ इनकम के भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। इन पांचों ग्रहों के वक्रतम का फल आपको यह मिलेगा कि सबसे पहली चीज करियर में जबरदस्त तरीके से उछाल आपको देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, और नौकरी जो लोग नहीं करते हैं अगर ढूंढते हैं तो इस समय आपको नौकरी निश्चित ही मिल जाएगी। कुल मिलाकर के आमदनी बहुत तेज़ी से आपकी बढ़ेगी, और जिस तेज़ी से आपकी आमदनी होगी उसी तरीके से आप कहीं ना कहीं धन की बचत भी कर पाओगे, ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो धनु राशि भी महाभाग्यशाली राशि में से एक राशि रहने वाली है। बात करते हैं अगली राशि की, तो यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो आपके लिए भी महाभाग्यशाली वक्त रहेगा यह 10 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर 2022 तक। ये जो 20-22 दिन हैं आपके लिए भी गोल्डन पीरियड रहेगा। लग्नेश हंस नाम का राजयोग बना के वक्री हैं, बुद्ध महाराज भद्र नाम का राजयोग बना करके वक्री हैं, शनि महाराज लाभ भाव में सोर्स ऑफ इनकम के भाव में वक्री हैं, राहु और केतु ये दोनों ग्रह जो है अष्टम और द्वितीय भाव में वक्री हैं। तो यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो यदि वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत चल रही थी वह समाप्त होगी। इसके अलावा व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा, आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ चला जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, और साथ ही साथ मीन राशि वालों के लिए सोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है बहुत मजबूत रहेगा। इस पीरियड में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें अपार सफलता मिलेगी, अपार ऊंचाइयां मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा, खूब धन आएगा। चाहे सैलरी इंक्रीमेंट आप चाहते हैं तो वह भी होगा, प्रमोशन चाहते हो तो वह भी होगा। सगे भाई बंधु संबंधी जो परिवार के लोग जितने भी हैं कुटुंब के, उनके माध्यम से विशेष लाभ होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं या सेल्फ का व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो लोग शुरू करिए। यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो गजब का समय रहेगा। इस समय यदि आपने कोई काम कारोबार शुरू कर दिया, डाल दिया नया काम, तो निश्चित ही अपार आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जब पांच ग्रह वक्री हैं तो आमदनी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके अलावा आप मतलब भर बचत कर पाओगे। यहाँ पर पांचों ग्रहों की अपार कृपा मिलेगी, करियर चाहे जिस क्षेत्र का हो आपका निश्चित ही लाभ होगा, हर क्षेत्र से पैसा आएगा, ऊंचाइयाँ मिलेंगी, तो आपको यह समय गंवाना नहीं चाहिए, निश्चित ही इस समय को आपको सदुपयोग करना चाहिए। तो मित्रों ये पांच महाभाग्यशाली राशियाँ थीं वृषभ मिथुन कन्या
वृश्चिक, धनु और मीन, इन पांचों राशियों पर पांच ग्रह मेहरबान होने वाले हैं जो कि वक्री अवस्था में हैं, किसी न किसी क्षेत्र में निश्चित ही लाभ पहुंचाने वाले हैं, अपार सफलताएं देने वाले हैं। तो यदि आपकी भी चंद्र राशि इन राशियों में से कोई एक है तो आपको खुश हो जाना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आज का यह छोटा सा वीडियो यहीं तक था। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे अगले विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।